सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम जानेंगे दो कीटों की एक दवा। चने में लगने वाली जो इल्ली होती है, चने या कपास में लगने वाली, साथ ही सरसों में लगने वाले माहू की, दोनों की एक दवा व अचूक दवा। सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें सामग्री क्या लगती है। ये हमारी जैविक कीटनाशक है, इसका उपयोग आप अपने घर पर कर सकते हैं व घर पर स्वयं ही तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले 10 किलोग्राम गौमूत्र होना चाहिए, 1 किलो नीम के पत्ते या फिर बेल के पत्ते और साथ ही 100 ग्राम लहसुन। अब इसको हम बनाएं कैसे, अब हम जानेंगे बनाने की विधि। 10 लीटर गौमूत्र में 1 किलो नीम या बेल के पत्ते मिलाकर 15 दिन तक रख देंगे। 15 दिन बाद इस घोल में 100 ग्राम लहसुन डालकर इतना उबालें कि घोल मात्र 5 लीटर रह जाए। अब हम इसे उपयोग कैसे करेंगे, तो उपयोग करने का तरीका जान लें। 15 लीटर की जो स्प्रे टंकी आती है उसमें 750 ग्राम मिश्रण डालकर फसल व पौधों पर आप छिड़काव कर सकते हैं। यह किन किन कीटों पर काम आती है ये भी जान लें। तो चने व कपास पर लगने वाली जो चिकनी या फिर बाल वाली इल्ली, दोनों के लिए उपयोगी है, दोनों के नियंत्रण के लिए। साथ ही यह सरसों में लगने वाले माहू के लिए भी अचूक दवा है। यह हमारा एक और जैविक कीटनाशक तैयार करने की विधि। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने किसान मित्रों से साझा करें। धन्यवाद।